में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम गांव हिलवाड़ी के अंदर जो जिला बागपत के अंदर है और यहां गुरु रविदास संत श्रोमणी गुरु रविदास जी का 641वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और झांकियों के रूप में पूरे गांव और इधर उधर से सभी झांकियाँ इकट्ठी हुई थी। यहाँ कुछ चीफ गेस्ट के रूप में हिलवाड़ी गांव ने बड़ा अच्छा मौका दिया कि कुछ नेता लोग, कुछ समाज सेवी लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी बात को कहने के लिए आए हैं। हमारे बीच में राष्ट्रीय लोक दल के नरेंद्र सिंह खजूरी जी हमारे बीच में आए। हम इनसे जानकारी लेते हैं कि आज श्रोमणी जी का जो जन्मदिन है, नरेंद्र जी आज जो ये 41वां जन्मदिन मनाया जा रहा है संत गुरु रविदास जी का, इसका क्या तात्पर्य है? और सभी महापुरुष ये कहते हैं भाई ऐसी परंपरा से अच्छा है कि जो मेरे बताए हुए रास्ते हैं उस पर चलें। रविदास जी का आज 641वां जन्मदिन है और जो आने वाली पीढ़ी हमारी है, उसको हम बता सकें कि संत रविदास जी के क्या क्या कार्य थे और उन्होंने समाज और दलितों के उत्थान के लिए क्या क्या नहीं किया। इसका जो मेन मकसद है कि सामाजिक जागरूकता और समाज में जिस तरह का निष्ठुरपन बढ़ता जा रहा है, आने वाली पीढ़ी को हम बाबा साहब को भूलते जा रहे हैं, हम संत रविदास जी को भूलते जा रहे हैं, हम कांशीराम जी को भूलते जा रहे हैं, जो हमारे समाज सुधारक थे उनके जीवन को सब इंगित करें और उनके बताए हुए रास्ते में चलने का काम करें, यही इनका मुख्य उद्देश्य है। बाबा साहब और संत श्रोमणि साहब की फ़ोटो लेके समस्त पार्टियां जा रही हैं, समस्त पार्टियां इनके चित्र को लेके इनको भुना रही हैं, तो सर इनका जो बताए हुए रास्ते हैं वो पार्टियां इनको रास्ता क्यों नहीं बता रही हैं? मैं ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं करूँगा कि सब पार्टियां केवल वोट की राजनीति करती हैं जी और दलितों का वोट लेना चाहती है, जो कि हम इस देश की सबसे बड़ी दलित जाति में निवास करते हैं, हमारी संख्या सबसे ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पर हर राजनीतिक पार्टी हमें अपने आगोश में लेना चाहेगी, परंतु मुख्य उद्देश्य सब परे दूर हैं। दलितों का आज भी जीवनचर्या है, आज भी हमारे ना तो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, निरक्षर हमने सबसे ज़्यादा हैं, साक्षरता हम में कम है, नौकरियां जितनी खाली पड़ी हैं वो पूरी नहीं है, आज हम लोग कुएं से पानी आज भी नहीं खींच सकते, जो हमारे साथ भेदभाव हो सकता है वो भेदभाव आज भी 70 साल की आज़ादी के बाद घटा नहीं है, अगर बढ़ा नहीं है तो घटा भी नहीं है। आज हमारा समाज जिस तरह से बहुत ही मजबूरियों दुश्वारियों के साथ जीता है, निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टियां ढोल तो सब पीटती हैं परंतु दलितों के लिए कुछ नहीं करती, दिखावा मात्र करती हैं कि हम दलितों के उत्थान के लिए ये कर रहे हैं।